हेलो गाइस, आज का वीडियो में देखते हैं कैसे 2D फेस मिल का ऑपरेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहला MCS में जाके ज्योमेट्री इंसर्ट करने का है। तो अभी इधर मैं मिल बाइंड का ज्योमेट्री सेलेक्ट किया है ओके करने का। अभी स्पेसिफिक ब्लैंक बाउंड्रीज में जाके सेलेक्ट फेस का ऑप्शन है, उसमें कट एरिया सेलेक्ट करने का। बाद में प्लेन में जाके स्पेसिफाई करके सेट सी करने का, फिर ऐड न्यू सेट करके उसको लॉक कर देने का, फिर ओके करने का। अभी उसको फ्लोर सेलेक्ट करने का है, तो स्पेसिफाई फ्लोर में जाके उधर एक्सी वाई सी सेलेक्ट करने का, ओके करने का। हमारा ज्योमेट्री हो गया। अभी प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट ऑपरेशन में जाके इधर तीसरा ऑप्शन है फेस मिल विथ बाउंड्रीज, उसको सेलेक्ट करने का, ओके करने का। अभी इसमें हमको पहला उसका टूल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्रिएट न्यू में जाने का, फिर रिट्रीव टूल लाइब्रेरी में जाने का। बाद में मिलिंग का ऑप्शन रहेगा उधर, उसमें जाके फेस मिल सेलेक्ट करने का। इसमें लिब्रिफ में जाके एंटर किया तो सीधा टूल लाइब्रेरी में जाएगा। मैं इधर 100 mm का टूल सेलेक्ट किया है, फिर ओके किया। अभी कुछ पैरामीटर चेंज करना है। पहला टूल एक्सिस है, उसको प्लस सेटम एक्सिस करने का। मेथड चेकिंग ही है। फिर कट पैटर्न को सिकसैक करने का। फिर स्टेप ओवर को कांस्टेंट करके मैक्सिमम डिस्टेंस को 200 या 250 करने का। फिर ब्लैंक डिस्टेंस 0 करने का। अभी कट पैरामीटर चेंज करना है, तो इसमें टूल ओवर हैंग 95 करने का, ओके करने का। बाद में नॉन कटिंग मूव्स रहेगा, उसमें जाके ये जो एंगेज का ऑप्शन है उसमें हाइट 3 दिया है, उसको 0 कर देने का। बाद में हमें स्टार्ट पॉइंट देना है। मैं इधर लेफ्ट साइड से दे रहा हूँ, तो स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करने का, ओके करने का, अब जनरेट करने का। ये चेकिंग का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ 3 ही पास चलता है, वो बस कितना स्टॉक है वो पता करने के लिए। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में ही चलेगा, इसलिए मैं लेफ्ट साइड से दिया। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ये 2D प्रोग्राम, 2D फेस मिल का प्राइमरी स्टेज है ये। इसके बाद में रफिंग आएगा, फिर फिनिशिंग आएगा। ठीक है, अभी हम रफिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो रफिंग में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो मैं सेम वही प्रोग्राम को कॉपी किया है। अभी इसमें पैरामीटर जो है उसमें स्टेप ओवर का बस कॉन्स्टेंट को चेंज करके परसेंटेज टूल फ्लैग करने का, ओके करने का, फिर जनरेट करने का। ठीक है, ऐसा चलता है रफिंग। अभी फिनिशिंग का देखते हैं। फिनिशिंग का भी सेम है पैरामीटर, बस उसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो इधर कटिंग पैरामीटर में जाके एंगल को 90 किया, ओके किया, फिर जनरेट करने का। ठीक है, 2D फेस मिल का तीनों प्रोग्राम हो गया है। ये हमेशा जब बड़ा बड़ा डाइस रहते हैं उसमें बॉटम फेस का मशीनिंग के लिए यही प्रोग्राम यूज करते हैं। और वो जो उनका कुछ रिग बाइट का कुछ स्टैंडर्ड रहता है, उसके हिसाब से ऑपरेटर ही उसको मेंटेन करते हैं।